आज मैं आपको लेकर आ गया प्रयागराज की ऐसी शॉप में जहाँ पे एक फौजी अंकल डेली का 100 किलो चंपारण हांडी मटन बिहारी स्टाइल में तैयार करते हैं, जिसका टेस्ट इतना ज्यादा बढ़िया होता है कि इसने प्रयागराज की सभी हांडी मटन वालों को फेल कर दिया है। तो चलिए फौजी अंकल जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने प्रयागराज में चंपारण हांडी मटन लगाने का कैसे सोचा। सबसे पहले देखो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्याज आ चुका है, बढ़िया तरीके से कट किया गया है। 9 किलो मटन है सर। तुम्हारे यहाँ पे 9 केजी मटन आ चुका है, तो मटन कौन सा रहता है ये? सर ये खस्सी का रहता है सर। क्या करेंगे? इसमें डालेगा लहसुन का पेस्ट डालेगा सर। इसमें एकदम बढ़िया तरीके से लहसुन का पेस्ट ऊपर से अच्छे से डाल दिया जाएगा। अब इसमें डालेगा नमक सर। आगे नमक तो अंदाज़े से डालेंगे कि सब मिक्स? नहीं नहीं सर, सर हम लोग का जितना भी मेटल इसमें गिरता है सब तोल के गिरता है। ये हम लोग का मेन मसाला है जिसको अवना मसाला कहा जाता है। अवना मसाला? जी ये अवना मसाला है, मेन मसाला हमारा यही है। ये आ गया कश्मीरी मिर्च जो तीखा नहीं होता। तो ये थोड़ी रंगत देने के लिए? जी जी सर, जी सर। अब ये हल्दी है, तो लाल मिर्च डालेगा, हल्दी यहाँ पे डाल दी गई है। अब डालेगा इसमें खड़ा मसाला थोड़ा थोड़ा। ये जीरा है सर, ये अंदाज से पड़ता है। अब ये आ गया सरसों का तेल सर, जो हम लोग का पका हुआ रहता है। हाँ इसका झास निकला हुआ रहता है इसमें बिल्कुल। तो कितनी देर पकाया जाता है इसको यहाँ पे? सर तेल को इतना पकाया जाता है जब तक ये तेल धोना है, तब उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें छीटा मारा जाता है। तो सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। ऑयल डाल दिया गया है, प्याज डाल दिया गया है, मटन डाल दिया गया है और मसाले डाले गए हैं। अच्छे से मटन के ऊपर मसालों को यहाँ पे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मसाले अच्छे से लग चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा भैया? सर इसमें ऑयल जाएगा। ठीक है, तो हांडी हमारी यहाँ पे आ चुकी है, अब एक एक करके इसमें ऑयल डाला जाएगा। तो बिहार के जो लोग आते हैं बोलते हैं कि सेम टेस्ट? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई वो नहीं बोलता है, बहुत अच्छा टेस्ट है आपका। क्योंकि यहाँ पे हांडी मटन और भी है सिविल लाइन में, पर वो टेस्ट नहीं मिलता इसलिए वो आता है, बहुत बहुत दूर से आदमी आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ चुकी चर्बी, तो ये लोग चर्बी भी डिमांड करते हैं इसमें? जी सर, ये पक जाता है, जब चर्बी ऊपर आता है तो दिखने में अच्छा लगता है, कस्टमर को बोलता है ये भी हमको दो भाई, ये भी चाहिए हमको। बाकी बहुत जगह पे लड़ चलते हैं, चुस्ता चलते हैं, यहाँ पे भी चलता है लेकिन ऑर्डर देने। तो यहाँ पे खड़े मसाले डाले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जीरा डाल दिया गया है। अब नेक्स्ट क्या डालेंगे भैया? ये सोया जीरा है। सोया जीरा यहाँ पे डाला जा रहा है। ये गोलकी है, हम लोग गोलकी बोलते हैं, काली मिर्च है ये। काली मिर्च जी। ये स्टार फूल, स्टार फूल। ये लौंग। नेक्स्ट यहाँ पे लौंग डाले जा रहे हैं, छोटी इलायची। और ये आ गई इलायची, जावित्री। तो हल्की सी जावित्री इसमें डाल दी जाएगी। एकदम बढ़िया मसाले इसमें डाले जाएंगे ताकि टेस्ट जो है इसका बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया इलायची। तो ये आगे बड़ी इलायची। एक हांडी में कितना किलो मटन रहता है? एक हांडी में 1.5 किलो का रहता है। अच्छा, 1.5 किलो मटन रहता है जी। तो नेक्स्ट अब इसमें दालचीनी डाली जा रही है। तो हांडी की चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल को चारों तरफ लगाया जा रहा है ताकि जो मटन है वो चिपके ना। तो 2 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं, अब मटन को यहाँ पे डाला जाएगा। कितने पीस डाले जाते हैं हांडी में? 18 पीस। तो अभी एक एक करके हांडियों को यहाँ पे भरा जाएगा। तो सबसे ज्यादा लोग कौन सा पीस पसंद करते हैं? चाप, नली। चाप और नली ज्यादा पसंद करते हैं। तो मटन को हांडी में अच्छे से यहाँ पे डाल दिया गया है, अब इसको अच्छे से यहाँ पे पैक कर दिया जाएगा। अभी सर इसमें जो है आटे के साथ अभी सील किया जाएगा, 45 मिनट के बाद फिर इसका ढक्कन खोला जाएगा। तो अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ आटा लगा दिया हुआ है, इसको अच्छे से सील कर दिया गया है। ऐसे ही सभी हांडियों को यहाँ पे अच्छे से सील कर दिया जाएगा। तो मटन हांडी लगाने के लिए यहाँ पे कोयला डाला जा रहा है। तो मटन हांडी हमारी यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है, अब इसको एक एक करके यहाँ पे लाया जा रहा है। अब एक एक करके इसको कोयले के ऊपर सेट किया जाएगा। तो हांडी पे देख सकते हो इन्होंने टाइमिंग डाल दी हुई है और यहाँ पे डाल दिया कि मटन है इसमें। तो जैसे कि इन्होंने टाइमिंग डाली है उसी टाइम पे इसको खोला जाएगा और हमारा यहाँ पे हांडी मटन लग के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हो कितनी सारी हांडी हमारी यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है, अब इसको 1.5 से 2 घंटा यहाँ पे अच्छे से पका लिया जाएगा। अभी क्या किया जाएगा यहाँ पे? इसको जो है अभी इसको इसको आग तेज हो गया है तो इसको उठा के ऐसे करके हिलाना है हर शुरुआत में 20 मिनट के बाद। उसके बाद जो है 5-5, 10-10 मिनट पे, 5-5, 7-7 मिनट पे हिलाना ही पड़ेगा इसे 1 घंटा तक के। और नहीं हिलाएंगे तो वो बैठ जाएगा, जल जाएगा नीचे। हाँ, सभी हांडी को एक एक करके देख सकते हैं यहाँ पे हिलाया जा रहा है। तो 10-10 मिनट बाद बार बार ऐसे चेक किया जाएगा और उसको हल्का हल्का यहाँ पे चलाया जाएगा। हम आर्मी में तैयार आने के बाद तो चालू किया, अपनी साफ किया। ऐसा रहा कि हम लोग बचपन से ही शौकीन हम भी थे, हमारा छोटा बेटा भी बहुत शौकीन है, बगैर मटन रहता नहीं है। तो बाकी मटन में और मतलब खस्सी में क्या डिफरेंस रहता है? बाकी मटन और खस्सी में तो बढ़िया खस्सी लोगों को कहने का है कि बहुत अच्छा होता है, उसका जो गोश्त होता है बहुत अच्छा वाइट और फ्रेश होता है, मतलब चर्बीदार होता है जो बनता है। तो मतलब हर एक पीस में अच्छी चर्बी के टाइप का लगता है कि हाँ ये कुछ पीसेस हैं, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो फाइनली हमारा हांडी मटन यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है, एकदम बढ़िया तरीके से गर्मा गर्म मटन रेडी हो चुका है। अब इसको मैं आपको ओवन करके दिखाऊंगा। तो भैया फुल रेडी है ये? जी, चाप पीस रहते हैं। चाप, ये आ गया चाप का पीस, ये नली का पीस है। तो एकदम बढ़िया बढ़िया पीसेस यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। और ये आ गया गार्लिक जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे। तो अभी कितना ग्राम यहाँ पे लगेगा? जी ये मट्टी का कटोरी है, इसमें 250 ग्राम आएगा। 250 ग्राम आएगा। आधा किलो लेंगे तो वो हांडी में दिया था, आधा किलो 1 किलो हांडी में करके दिया। ठीक है, तो ये आ गया चाप का पीस, ये आ गई नली, और ये आ गया ऊपर से हरा धनिया।
भैया रेडी हो चुका है ये? जी रेडी है। भैया नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रोदय नारायण सिंह है। मैं इंडिया का रिप्रेजेंट किया हूँ इंटरनेशनल एथलेटिक्स में हेमथ्रू में। मुझे इलाहाबाद में सबसे बढ़िया मटन, अगर इस टाइम अगर बात करते हैं तो जैसे ये चंपारण, ये मटन की क्वालिटी बहुत अच्छी में लगती है। आपको इनका चुस्ता ट्राई करना चाहिए। ऑर्डर में बनाते हैं पूरे इलाहाबाद में, हमें नहीं लगता कोई चुस्ता देता होगा। बाकी लोग रिकमेंड करोगे यहाँ पे? मैं तो हरदम करता हूँ। मैं तो कहूँगा कि आप आइए, ट्राई कीजिए, मेरे कहने अपने पर ट्राई कीजिए, उसके बाद आप अपना ओपिनियन दीजिए उसमें। तो फाइनली हमारा चंपारण मटन यहाँ पे लग के रेडी हो चुका है और ये हमने लगाया प्रयाग चंपारण मटन में। तो देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से हांडी के अंदर इन्होंने हमारे चंपारण मटन रेडी किया है और एकदम कुल्हड़ में इसको सर्व किया गया है। तो हमने यहाँ पे लगवाया 250 ग्राम मटन, इसका प्राइस है 300 रुपीज। साथ में है आपको यहाँ पे हांडी चिकन मिल जाएगा जिसका प्राइस है 180 रुपीज। तो इसमें आपको 250 ग्राम चिकन मिल जाएगा एकदम बढ़िया ग्रेवी के साथ। साथ में आपको मिल जाएगी तवा रोटी जो की 10 रुपए की रहती है। आपको अगर चिकन हांडी बिरयानी यहाँ पे खानी है आपको मिल जाएगी 130 रुपए की। तो चलिए चलते हैं, अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो एकदम बढ़िया से आपको यहाँ पे हांडी मिल जाएगी, छोटी सी हांडी जिसके अंदर आपको चिकन मिल जाएगा और एकदम पूरी ऊपर तक भरी हुई है, जिसमें कि आपको 2 पीस चिकन के मिल जाएंगे। तो हमारा हांडी मटन यहाँ पे रेडी हो चुका है। सबसे पहले देखो तो एकदम नल्ली के पीस हमने सर्व किए हैं, तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। साथ में आ गया ये चाप का पीस। तो 250 ग्राम में आपको यहाँ पे 3 पीस मिल जाएंगे और साथ में मिल जाएगा लहसुन। तो चलिए अब इनका हांडी मटन टेस्ट कर लेते हैं। तो इनका हांडी मटन देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से पक चुका है और अब इसको हम टेस्ट कर लेंगे। तो वाकई में जैसे इनका नाम सुना था, इनका जो मटन है काफी ज्यादा टेस्टी है, एकदम बढ़िया तरीके से पक चुका है ये। और जो इनके मसाले इन्होंने डाले हैं काफी ज्यादा बढ़िया है और जो मटन है एकदम सॉफ्ट सा है, जूसी सा है, तो एकदम खाते ही आपको मजा आ जाएगा। और जो इनकी खास बात ये रहती है कि जो इनका मटन यूज होता है खस्सी वाला यूज होता है, जिसका टेस्ट आपको बहुत ही बढ़िया आएगा। और सबसे महंगा आपको खस्सी का मटन मिलेगा। तो 300 रुपए में आपको 250 ग्राम यहाँ पे मटन खाने को मिल जाएगा। अगर आपको 1 kg चाहिए तो आपको मिल जाएगा 1200 रुपए में। तो मटन हांडी के साथ आपको यहाँ पे चिकन हांडी भी मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लगाना है आप 250 ग्राम लगा सकते हो, आधा किलो लगा सकते हो, 1 किलो लगा सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इनका चिकन हांडी भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये है इनका हांडी चिकन। तो चिकन देख सकते हो एकदम अच्छे से गल चुका है, एकदम जूसी सा लग रहा है। साथ ही साथ थोड़ी सी ग्रेवी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हांडी चिकन, हांडी मटन और भी जगह ट्राई किया, बट इनका जो है एकदम बेस्ट है। जो चिकन जो है अच्छे से पक चुका है, एकदम जूसी सा चिकन है और जो मसाले एकदम बढ़िया डाले हैं उन्होंने। तो अगर आप प्रयागराज में रहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आके इनका हांडी चिकन, हांडी मटन जरूर ट्राई कीजिए। आपको यहाँ पे हांडी बिरयानी भी मिल जाएगी, तो ये भी काफी बढ़िया रहती है। तो ये तीनों आइटम आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। तो टाइमिंग क्या रहती है यहाँ? टाइमिंग वही 12 बजे के बाद, 12 बजे से रात के 10-11 बजे। और डेली खुला रहता है ये? हाँ डेली रहता है, डेली ओपन है, कभी भी आ सकते हैं मतलब? हाँ कभी भी आ सकते हैं। दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे प्रयाग। ये दुकान जो है प्रयाग चंपारण मीठा हाउस, प्रयाग चंपारण महेवा प्रयाग रिवा रोड। तो अगर आप भी प्रयागराज में रहते हो, विजिट कर रहे हो और बढ़िया सा चंपारण हांडी मटन या चिकन खाना चाहते हो, आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आके ये तीनों आइटम यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। तो इन तीनों आइटम्स को मैं अपनी टीम से जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।